मानो या ना मानो। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जाता है। उनकी सोच और वैज्ञानिक प्रतिभा का लोहा दुनिया का हर वैज्ञानिक मानता है। आइंस्टीन ने पेन और कागज की सहायता से ऐसे सिद्धांत दिए थे जिन्होंने विज्ञान की दुनिया को पलट कर रख दिया। दोस्तों, आज हम आपको इस असाधारण वैज्ञानिक के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य बताएंगे। आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1979 को जर्मनी में हुआ था, इसीलिए इस दिन को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जन्म के समय आइंस्टीन के सिर का आकार सामान्य शिशु के आकार से 4 गुना बड़ा था। आइंस्टीन स्कूल के दिनों में एक बहुत औसत छात्र थे। आइंस्टीन को सोना बहुत पसंद था, इसीलिए वो रोजाना कम से कम 10 घंटे सोते थे। आइंस्टीन बचपन में एक खास तरह की बीमारी से ग्रस्त थे, जिस वजह से वो 3 साल की उम्र तक बोल नहीं पाते थे। आगे चलकर बच्चों में होने वाली इस बीमारी का नाम ही आइंस्टीन सिंड्रोम रख दिया गया। आइंस्टीन इतने भुलक्कड़ किस्म के थे कि कभी कभी वो अपने घर का पता और टेलीफोन नंबर भी भूल जाते थे। आइंस्टीन का यह कहना था कि मैं उस चीज को याद करने में क्यों दिमाग खर्च करूं जो किताबों में ढूंढने पर मिल सकती है। इसी वजह से वे गणित और फिजिक्स के खास सूत्रों को भी याद नहीं रख पाते थे। वैसे तो आइंस्टीन ने एक से बढ़कर एक गुण सिद्धांत और सूत्रों की खोज की, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि E=mc² के लिए ही मिली। जापान में गिरे परमाणु बम इसी फॉर्मूले पर आधारित थे। बाद में उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उनके दिए सूत्र पूरी मानवता को ही खत्म कर सकते हैं। साल 1952 में आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उनका जन्म राजनीति करने के लिए नहीं बल्कि खोज करने के लिए हुआ है। टाइम मशीन की कल्पना सबसे पहले आइंस्टीन ने ही की थी और इस विषय पर उन्होंने कई शोध भी लिखे हैं। आइंस्टीन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को हुई और उनकी मृत्यु के बाद वैज्ञानिकों ने उनका दिमाग रिसर्च करने के लिए निकाल लिया था। तो दोस्तों, ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपने कमेंट जरूर लिखें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल मानो या ना मानो को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए मानो या ना मानो।